कभी कभी हमारे एंड्रॉइड टीवी या स्मार्ट टेलीविजन का गूगल वॉइस असिस्ट काम नहीं करता। गूगल कहता है कि नहीं कर सकते, मैं करूंगा तो करना। अरे गूगल भावा, तुम भी नहीं करते, हमको भी नहीं करने देते, तो करेगा कौन? तो करना तो हमको ही है, वो कैसे करना है इस वीडियो में हम आगे जानेंगे। सब्सक्राइब कीजिए टिकट इजी लर्न इजी और बेल आइकन को ऑल पे सेट कीजिए। तो दोस्तों क्या होता है, जब भी हम गूगल असिस्ट से कुछ करवाना चाहते हैं तो इस तरह से एक मैसेज आता है। ये मैसेज आने का कुछ रीजन है। तो सबसे पहला होगा गूगल ऐप जो है वो डिसेबल होना। अगर आपका गूगल ऐप डिसेबल है तो उसको एनेबल करना होगा। वो कैसे करना है देखते हैं। तो सबसे पहले आपको टेलीविजन के सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको एडिशनल सेटिंग में जाना है। यहाँ पे आपको एप्स में जाना है। एप्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे गूगल सर्च करना होगा, और यहाँ पे अगर वो डिसेबल है तो उसको एनेबल करना होगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने पहले डिसेबल किया, बाद में एनेबल किया है। दूसरा रीजन है माइक्रोफोन डिसेबल रहना। अगर आपका टेलीविजन का माइक्रोफोन यानी आपका जो रिमोट है उसका माइक्रोफोन डिसेबल होगा तो भी आपका असिस्टेंट काम नहीं करेगा। उसके लिए आपको ऑन करने के लिए तो यहाँ पे आपको एडिशनल सेटिंग में जाके, यहाँ पे आपको ऐप्स में जाके ऐप परमिशन पे जाना होगा, और यहाँ पे आपको माइक्रोफोन एनेबल है या डिसेबल है ये चेक करना होगा। अगर डिसेबल होगा तो उसको एनेबल कर दीजिए। अगर इससे भी काम नहीं होता है तो आपको एप्लीकेशन में जाके गूगल ऐप का डेटा और कैच क्लियर करना होगा। तो कैसे करना है चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको ऐप में जाना है। ऐप में जाने के बाद गूगल के ऊपर क्लिक करना होगा। गूगल के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आपको क्लियर कैच करना होगा। क्लियर कैच करने के बाद क्लियर डेटा करना है, और इस तरह से आपका जो गूगल है वो पूरी तरह से रिकवर हो जाएगा। ये सब करने के बावजूद भी अगर काम नहीं करता है तो सबसे पहले आपको अभी गूगल ऐप का जो अपडेट है उसे अनइंस्टॉल करना है। गूगल का अपडेट अनइंस्टॉल करने के लिए एडिशनल सेटिंग में जाना है, ऐप्स में जाना है, गूगल ऐप्स में जाना है। गूगल ऐप्स में जाने के बाद अनइंस्टॉल द अपडेट करना है। जैसे ही अनइंस्टॉल हो जाएगा आपको फिर से आपको गूगल असिस्टेंट को सेटअप करना होगा। जैसे ही अनइंस्टॉल हो जाएगा आपको यहाँ पे आपका गूगल असिस्टेंट का बटन प्रेस करना है, और उसके बाद में आपको गूगल असिस्ट को सेटअप करना है। इस तरह से आपका गूगल असिस्ट काम करेगा। अगर आपका गूगल ऐप अपडेटेड नहीं है तो उसको अपडेट करना होगा। अपडेट कैसे करना है देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे गूगल पे ओपन करना होगा। गूगल प्ले ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको गूगल सर्च करना होगा, यहाँ पे इसको अपडेट करना होगा। जैसे ही अपडेट कंप्लीट होता है तो आपको होम स्क्रीन पे आना है। होम स्क्रीन पे आने के बाद आपका टेलीविजन आपको रिस्टार्ट करना होगा। अब आपको आपका टेलीविजन रिस्टार्ट करने के बाद गूगल असिस्टेंट को सेटअप करना है। सेटअप करने के बाद किधर निकले, सबसे पहले मेरा वीडियो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।